गोल्डन लेडल व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। जब भी हम साउथ इंडियन खाने की बात करते हैं तो हम सबके मुंह में पानी आता है, और जब बात हो रवा डोसा की तो हम सब सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है ये बनाना। लेकिन आज मैं इस रेसिपी को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपके साथ बनाऊंगी। इजी इंग्रेडिएंट्स होंगे, टिप्स होंगी अगर आपके घर में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना रवा डोसा। एक बोल ले लें, उसमें हम डालेंगे राइस फ्लावर, सूजी और मैदा। अब इसमें डालेंगे हम सॉल्ट एंड सोडा, बेकिंग सोडा। ये मिक्स कर लें अच्छे से। अब इसके लिए हमें रेडी करनी है एक टेम्परिंग। इसको मिक्स करके आप साइड में रख दें। एक पैन ले लें, उसमें डालें थोड़ा सा ऑयल। मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। गैस सिम पे रखें, इसमें मस्टर्ड सीड्स डालें, क्रैकल हो जाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम क्यूमिन सीड्स और पिंच ऑफ हींग, इसको भी क्रैकल होने दें। अब इसमें डाल लें थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर, चॉप्ड ग्रीन चिली, चॉप्ड करी लीव्स, और एक टेबलस्पून हम डालेंगे फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है, आप ड्राई कोकोनट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है। अब इस टेम्परिंग को हम गरम गरम डाल देंगे अपने फ्लावर्स में और मिक्स करेंगे अच्छे से। गिव इट अ नाइस मिक्स। बस ये मिक्स हो गया। अब इसमें हम डाल लेंगे कोरिएंडर लीव्स। अब देखिए आपका ये मिक्स रेडी है। आपको जब भी इसका डोसा बनाना है आप इसमें पानी डाल लें। आप इसको कितनी भी देर रख सकते हैं, लेकिन पानी डालने के बाद आपको इसके डोसा तुरंत ही बनाने होंगे। अब इसमें जाएगा करीबन 3 कप पानी। 3 कप पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, और साइड में अपना एक अपना तवा भी रख दें गर्म होने के लिए। इसको एक विस्क की हेल्प से आप मिक्स कर लें अच्छे से। बीटर की ज़रूरत नहीं है इसमें, खाली एक विस्क लें और अपना या फिर किसी लेडल से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। मैं विस्क की हेल्प से इसको कर रही हूँ। ये देखिए बस ऐसे, कोई आपको इसको पानी डाल के छोड़ना नहीं है, बस ऐसे मिक्स कर लें। ये देखिए पूरा पोरिंग कंसिस्टेंसी है इसका। अब ये तवा ले लिया हमने, इस पर थोड़ा ऑयल डालें, टिश्यू से साफ कर लें ताकि तवा अच्छे से चिकना हो जाए। अब इसमें से देखिए धुआं निकल रहा है, हम पोर कर देते हैं अपना बैटर। देखिए अलग से ही आपको एक जाली दिखेगी इसमें। ये इस तरह से पूरे पे फैला लें, एक अपनी थिन कोटिंग, बहुत एकदम से ओवर लेयरिंग नहीं करनी है। ऑयल स्प्रिंकल करेंगे इस पे। बस ये कुक हो गया है। आप इसको साइड्स में से धीरे धीरे निकाल दें। ये देखिए बहुत ही अच्छा डोसा कुक होके रेडी हो गया। बस इसी स्टेप को आपको बार बार रिपीट करना है। इसमें करीबन आपके 5 to 7 मीडियम डोसास बन जाएंगे। ये देखिए इस तरह से लीजिए फिर से। ऑयल डाल लीजिए और ये फिर से आपका एक और डोसा रेडी है। आप इसको सर्व कर सकते हैं सांबर के साथ या नारियल चटनी के साथ। ये देखिए बहुत ही अच्छे डोसे हमारे रेडी हैं, सांबर एंड कोकोनट चटनी। तो आप सबने देखा हमने कितने आसान तरीके से ये डोसा बनाया। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है मेरी रेसिपीज बनाने में या कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। Thanks for watching my video. Have a nice day.